नमस्कार, चाणक्य IAS एकेडमी में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज MCQ से संबंधित इस वीडियो में कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न कि यह भारत तिब्बत सीमा पर हिमालय की चोटियों में एक पहाड़ी दर्रा है और दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़कों में से एक है। इसके नाम का अर्थ है कान सुन रहा है। निम्नलिखित में से किस पास या दर्रा में उपरोक्त विशेषताएं हैं? चार विकल्प हैं। विकल्प ए जेलेप ला पास या दर्रा, बी डोंकिया दर्रा, सी नाथुला दर्रा और डी चिवा भंजंग दर्रा। आइए देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मतलब नाथुला दर्रा। आइए अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। सबसे पहली बात तो यह कि यह दर्रा इसलिए खबर में है क्योंकि हाल ही में 7 जो टूरिस्ट हैं उनकी मृत्यु हुई थी गंगटोक से नाथुला दर्रे के बीच की जो सड़क है वहाँ पर जो हिमस्खलन हुआ था उसके कारण। वही अगर हम नाथुला दर्रे की बात करें तो नाथुला दर्रा भारत तिब्बत सीमा पर हिमालय की चोटियों में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है और यह कितनी ऊंचाई पर स्थित है तो यह समुद्र तल से 14,450 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़कों में से एक है। वहीं अगर इसके नाम के अर्थ की बात करें तो नाथू का अर्थ होता है सुनने वाला कान और ला का अर्थ होता है पास या दर्रा। साथ ही भारत और चीन के बीच यह एक खुली व्यापारिक सीमा चौकी है और अगर सिक्किम में स्थित अन्य दर्रों की हम बात करें तो सिक्किम राज्य में स्थित अन्य दर्रे हैं जेलेपला दर्रा, डोंकिया दर्रा और चिवा भंजंग दर्रा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विंडफॉल गेन टैक्स के बारे में सही है? चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कि बिना किसी अतिरिक्त प्रयास या व्यय के आय में एक अनर्जित अप्रत्याशित लाभ, बी सक्रिय निवेश या व्यापार विस्तार के माध्यम से अर्जित लाभ, सी सरकारी सब्सिडी के माध्यम से अर्जित लाभ और डी अवैध गतिविधियों के माध्यम से आय में एक अनैतिक लाभ। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मतलब बिना किसी अतिरिक्त प्रयास या व्यय के आय में एक अनर्जित अप्रत्याशित लाभ। देखते हैं इसकी व्याख्या। सबसे पहली बात कि यह खबरों में क्यों है। यह खबर में इसलिए है क्योंकि हाल ही में सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सरकार डोमेस्टिक क्रूड ऑयल पर जो पहले वो 3500 रुपये पर टन जो टैक्स लगाती थी, विंडफॉल गेन टैक्स लगाती थी, उसको अब उन्होंने नील कर दिया है, मतलब शून्य कर दिया है। वही अगर हम विंडफॉल टैक्स की बात करें तो बिना किसी अतिरिक्त प्रयास या व्यय के आय में एक अनर्जित और प्रत्याशित लाभ को विंडफॉल गेन टैक्स के रूप में जाना जाता है और वहीं विंडफॉल टैक्स का मुख्य उद्देश्य कंपनियों को उन अप्रत्याशित घटनाओं से अत्यधिक लाभ लेने से रोकना है जिनमें उन्होंने योगदान नहीं दिया है या उन पर उनका नियंत्रण नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, संक्षेप में ONDC के संबंध में सही है। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए ई कॉमर्स लेन देन के लिए एक एग्रीगेटर एप्लीकेशन, बी एक सरकार द्वारा समर्थित मंच जिसका उद्देश्य एक खुले नेटवर्क के माध्यम से ई कॉमर्स का लोकतंत्रीकरण करना है, ऑप्शन सी एक सरकारी समर्थित मंच जिसका लक्ष्य बंद स्रोत नेटवर्क के माध्यम से ई कॉमर्स का लोकतंत्रीकरण करना है, ऑप्शन डी ई कॉमर्स लेन देन के लिए एक होस्टिंग मंच। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है बी, मतलब एक सरकार समर्थित मंच जिसका उद्देश्य एक खुले नेटवर्क के माध्यम से ई कॉमर्स का लोकतंत्रीकरण करना है। आइए अब इसकी हम व्याख्या करते हैं। सबसे पहली बात यह कि खबर में ये क्यों है। खबर में इसलिए है क्योंकि फिनटेक की दिग्गज कंपनी, जैसा कि हम नाम जानते हैं उसका, फोनपे, तो फोनपे ने एक नया उपभोक्ता सामना करने वाला एक एप्लीकेशन बनाया जिसका नाम है पिन कोड। इसको लॉन्च किया है और इसे भारत के ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के ढांचे में एकीकृत किया गया है, इसलिए ONDC खबर में है। वहीं अगर हम ONDC की बात करें तो ONDC एक सरकार समर्थित पहल है जिसका उद्देश्य है कि वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और बिक्री के लिए प्लेटफॉर्म केंद्रित मॉडल से हटकर एक खुले नेटवर्क को बनाना और खुले नेटवर्क का विकास करना ताकि ई कॉमर्स के क्षेत्र में क्रांति लाई जा सके। वहीं अगर ONDC की बात करें तो ONDC के साथ एक भाग लेने वाली ई कॉमर्स साइट पर पंजीकृत खरीदार अन्य भाग लेने वाली ई कॉमर्स साइट पर विक्रेताओं से सामान खरीद सकते हैं। ONDC एक एग्रीगेटर एप्लीकेशन या होस्टिंग प्लेटफॉर्म नहीं है।
और जो मौजूदा डिजिटल वाणिज्यिक एप्लीकेशन जैसे कि अमेजन की बात करें और फ्लिपकार्ट की बात करें तो उनसे इस मामले में अलग है कि जो मौजूदा डिजिटल वाणिज्य एप्लीकेशन और प्लेटफॉर्म स्वेच्छा से नेटवर्क होने में शामिल होने का विकल्प वो चुन सकते हैं, इस मामले में उनसे वो अलग है। वहीं ONDC ओपन सोर्स पद्धति, ओपन स्पेसिफिकेशन और ओपन नेटवर्क प्रोटोकॉल का उपयोग करके विकसित ओपन नेटवर्क को बढ़ाता है जो किसी भी विशिष्ट प्लेटफॉर्म से स्वतंत्र है, और ONDC के कार्यान्वयन से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के विभिन्न परिचालन पहलुओं को एकीकृत भुगतान इंटरफेस मतलब UPI के समान स्तर पर लाया जा सकता है। और अगर हम ये देखें कि इस प्लेटफॉर्म को एकीकृत करने का काम किसको सौंपा गया है तो भारतीय गुणवत्ता परिषद को ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी नेटवर्क के माध्यम से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को एकीकृत करने का काम सौंपा गया है। अब हम बात करते हैं कि क्या होता है ओपन सोर्स कोड। तो खुला स्रोत कोड या ओपन सोर्स कोड वाले सॉफ्टवेयर को संदर्भित करता है, उस सॉफ्टवेयर को बताता है जो आसानी से उपलब्ध होता है और किसी के द्वारा उसमें संशोधन किया जा सकता है या उसमें सुधार किया जा सकता है, जिससे जो उपयोगकर्ता हैं, जो यूजर्स हैं, वो उस डिज़ाइन को वो बढ़ा सकते हैं या फिर उसमें अगर कोई लिंक टूट गया है तो उसको वो ठीक कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पहला, भारत एशियाई विकास बैंक में तीसरा सबसे बड़ा हिस्सेदार देश है, और दूसरा, ब्रेटन वुड सम्मेलन की प्रमुख उपलब्धि विश्व बैंक और IMF का निर्माण था। दिए गए कुर्से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों, और ऑप्शन डी ना तो पहला ना ही दूसरा। अब देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका मतलब है कि पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही हैं। इसकी व्याख्या अगर हम करें तो सबसे पहली बात यह कि आखिर यह खबर में क्यों है, तो इसलिए है कि वर्ल्ड बैंक ने भारत के वृद्धि से संबंधित जो भविष्यवाणी की है उसको कहा उन्होंने 6.3, जो वित्त वर्ष आने वाला है, मतलब यह कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए यह फोरकास्ट किया गया है, और ADB ने भी यही फोरकास्ट किया है भारत के ग्रोथ से रिलेटेड जो वित्तीय वर्ष 2023-24 है। वहीं अगर हम ADB की बात करें तो ADB की स्थापना 1966 में हुई थी और इसका मुख्यालय मनीला जो कि फिलीपींस में है, और एशियाई विकास बैंक में जापान और अमेरिका की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। वहीं दूसरे नंबर पर चीन है और तीसरे नंबर पर एक हिस्सेदार के रूप में भारत मौजूद है। ADB में कुल 68 सदस्य हैं जिसमें 49 एशिया और प्रशांत क्षेत्र से हैं। वहीं अगर ब्रेटन वुड सम्मेलन की हम बात करें तो ब्रेटन वुड सम्मेलन की प्रमुख उपलब्धि है विश्व बैंक और IMF का निर्माण, और विश्व बैंक समेत 5 अलग अलग संस्थाएं शामिल हैं जो तो दुनिया भर में विकास को समर्थन करने के लिए वित्त उपलब्ध कराती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि रुकी हुई अचल संपत्ति परियोजना या स्टॉल्ड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की जांच के लिए गठित एक समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने इस समिति का गठन किया है जिसकी अध्यक्षता अमिताभ कांत करेंगे। दूसरा कथन, रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम 2016 के तहत गठित केंद्रीय सलाहकार परिषद ने लगभग एक साल पहले समिति के गठन की सिफारिश की थी। और तीसरा कथन कि समिति में उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकारों के सदस्यों के साथ साथ केंद्रीय वित्त मंत्रालय, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अधिकारी और नोएडा के CEO शामिल होंगे। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल पहला और दूसरा, ऑप्शन बी केवल दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी केवल पहला और तीसरा, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि उपर्युक्त सभी। आइए अब इसकी हम व्याख्या करते हैं। पहली बात तो ये कि आखिर यह खबर में क्यों है, तो खबर में यह इसलिए है कि सरकार ने एक पैनल का गठन किया है जिसका उद्देश्य है कि जितने भी इंस्टॉल्ड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट हैं उसको एग्जामिन करना, उसका परीक्षण करना, और इसकी अध्यक्षता अमिताभ कांत करेंगे। वहीं रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम 2016 के तहत गठित केंद्रीय सलाहकार परिषद ने लगभग एक साल पहले समिति के गठन की सिफारिश की थी, और इस समिति में उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार के सदस्यों के साथ साथ केंद्रीय वित्त मंत्रालय, दिवाला और दिवालियापन बोर्ड ऑफ इंडिया के अधिकारी मतलब इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोर्ट, और नोएडा के CEO शामिल होंगे। इस प्रकार MCQ से संबंधित आज के इस वीडियो में हमने कुल 5 प्रश्नों को देखा, उसके उत्तर को देखा और उससे संबंधित हमने व्याख्या को देखी। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ। नमस्कार। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.